हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने ऑनलाइन क्लास लेके। तो हम पिछले वीडियोज में बात कर चुके थे एलिमेंट्री कैनाल, और एलिमेंट्री कैनाल के सारे पार्टों के बारे में हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हम डाइजेस्टिव सिस्टम के सेकंड पार्ट की बात करते हैं, और सेकंड पार्ट है हमारा क्या, डाइजेस्टिव ग्लैंड। ओके, डाइजेस्टिव ग्लैंड की जब हम बात करते हैं तो हमारे पाचन तंत्र में मुख्य रूप से तीन डाइजेस्टिव ग्लैंड पाई जाती हैं, और उन तीन प्रकार की डाइजेस्टिव ग्लैंडों की बात करें तो नंबर एक जिनको हम बोल देते हैं सैलाइवरी ग्लैंड, नंबर दो जिसको हम कहते हैं लीवर, और नंबर तीन जिसको हम कहते हैं क्या, पैंक्रियाज। तो इस प्रकार तीन प्रकार की पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब सबसे पहले हम यहां बात करेंगे किसकी, सैलाइवरी ग्लैंड की। ठीक है, तो देखो सैलाइवरी ग्लैंड की यदि हम बात करें तो ये ग्लैंड हमारे शरीर में लगभग कितनी होती हैं, तीन जोड़ी होती हैं। ठीक है, तीन जोड़ी होती हैं, और इनकी सिचुएशन क्या होती है, देखो अपन बात करें अगर डायग्राम के माध्यम से, तो इसकी जो स्थिति होगी इस तरह की होगी, ठीक है। अब अपन डायग्राम में बात कर लेते हैं, तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट, यानी एक ग्लैंड होती है जो हमारे किसके, श्रवण कोश के नीचे होती है, माना कि ये हमारा क्या है, श्रवण कोश है, और इस श्रवण कोश के जस्ट नीचे एक जोड़ी ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है ना, और इस एक जोड़ी ग्लैंड को हम क्या बोल देते हैं, पैरोटिड ग्लैंड। क्या कहेंगे, पैरोटिड ग्लैंड कह देते हैं। ठीक है ना, अब सुनो याद रखना, सैलाइवरी ग्लैंड एग्जोक्राइन टाइप की होती हैं, कारण क्योंकि ये ग्रंथि अपना स्राव विशेष ट्यूब्यूल्स या नलिका की सहायता से टारगेट ऑर्गन तक पहुंचा रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है। और इस प्रकार की ग्रंथियां जो अपनी सीक्रेशन किसी डक्ट की सहायता से टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन या बहिस्रावी ग्रंथियां कह देते हैं। ठीक है ना, अब देखो पैरोटिड ग्लैंड से क्या होता है, एक ट्यूब निकलती है, ठीक है, ये लो, और ये जो ट्यूब निकलती है पैरोटिड ग्लैंड से, इस ट्यूब को हम क्या कह देते हैं, एक्सटेंशन डक्ट। ठीक है, और ये कहां के खुलती है, देखो ये खुलती है ऊपरी जबड़ा, और ऊपरी जबड़े के वेस्टिव्यूल क्षेत्र में खुलती है। ठीक है, या इसको हम क्या बोल देते हैं, प्रघाण क्षेत्र कह देते हैं। ठीक है, प्रघाण क्षेत्र का मतलब हमने बताया था साहब, हमारे गाल और मसूड़ों के बीच में जो ये दरार नुमा संरचना होती है ना, इनको हम क्या बोलते हैं, वेस्टिव्यूल बोलते हैं। तो इनके बीच में कौन सी, पैरोटिड ग्लैंड आकर खुलती है। ठीक है, दूसरी बात देखो कि कई बार पैरोटिड ग्लैंड पर कुछ वायरस अटैक होता है या कुछ वायरस इसमें संक्रमण फैला देते हैं, और उस संक्रमण की वजह से ये ग्रंथि सूज जाती है, और उस रोग को हम कहते हैं मम्स, जिसकी वजह से देखा होगा यहां हल्की गांठ सी बन जाती है, मुंह खोलने में चबाने में हमें क्या होता है, दर्द होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। दूसरी बात कि पैरोटिड ग्लैंड के द्वारा जो लार स्रावित होती है ना, उसमें ही स्टार्च पाचक एंजाइम, और स्टार्च पाचक एंजाइम कौन सा, हमने बात की थी साहब टाइलिन, किसमें, याद रखना मुख्य रूप से किसके द्वारा स्रावित किया जाता है भाई, पैरोटिड ग्लैंड के द्वारा स्रावित किया जाता है। तो फर्स्ट ग्लैंड हो गई हमारी कंप्लीट। ठीक है, अब देखो सेकंड ग्लैंड की बात करें तो सेकंड ग्लैंड होती है क्या, हमारे दोनों जबड़ों के जंक्शन पर होती है साहब, हम बात कर लेते हैं इस जगह पर,
ये हमारी क्या है, सेकंड ग्लैंड है। और ये जो सेकंड ग्लैंड है इसको हम क्या बोल देते हैं, देखो नेक्स्ट सेकंड, इसको हम कहेंगे सब मैग्जिलरी ग्लैंड। ओके, सब मैग्जिलरी ग्लैंड होती है ये। सबसे पहली बात कि ये ग्लैंड सर्वाधिक मात्रा में लार का सिक्रेशन करती है, यानी इसका जो स्राव होता है वो क्या होता है साहब, सर्वाधिक, यानी इन तीनों प्रकार की तीनों लार ग्रंथियों में सबसे ज्यादा अधिक लार किसके द्वारा स्रावित की जाती है, सब मैग्जिलरी ग्लैंड, ये सबसे बड़ी होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ये ग्लैंड क्या होती है साहब, एक विशेष सॉरी एक विशेष ग्लैंड द्वारा, ये लो ठीक है, इस ग्लैंड को हम क्या नाम देते हैं, इस ग्लैंड को हम नाम देते हैं वार्टन्स सॉरी डक्ट। ठीक है, और ये वार्टन्स डक्ट साहब कहां जाकर खुलती है, देखो ध्यान रखना, ये हमारे निचले जबड़े और निचले जबड़े के कौन, इंसाइजर दांतों के पीछे जाकर खुलता है। तुमने कभी महसूस किया है, हम गोलगप्पे की रेडी पर खड़े होते हैं तो कभी महसूस करना, हमारे या तो इन जगहों से और या इस जगह नीचे के जबड़े में जीभ के आगे वाले भाग पर बहुत ज्यादा लार स्रावित होती है। ठीक है ना, कई बार तो इतनी स्रावित हो जाती है कि वो बाहर टपक जाती है। ठीक है, देखा होगा तुमने, इसका मतलब कि जो हमारी सब मैग्जिलरी ग्लैंड होती हैं वो वार्टन्स नलिका की सहायता से निचले जबड़े के इंसाइजर टीथ पर जाकर खुलती हैं। ठीक है, दूसरी बात, इनके द्वारा सर्वाधिक मात्रा में किसका स्राव किया जाता है साहब, लार का स्राव किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम हमारे, देखो ये हो गई अपनी कौन सी, सेकंड ग्लैंड, ये सब मैग्जिलरी। अब हम बात करेंगे किसकी, थर्ड ग्लैंड की। तो देखो थर्ड ग्लैंड होती है हमारी कहां, ये ठीक है, निचले जबड़े में, और इससे अनेक छोटी छोटी डक्ट निकलती है और वो हमारे निचले जबड़े की फर्श पर या जीभ के नीचे जाकर खुलती हैं। याद रखना ये थर्ड ग्लैंड है और इस थर्ड ग्लैंड को हम क्या बोल देते हैं, सब लिंगुअल ग्लैंड। ठीक है ना, अब देखो सब लिंगुअल ग्लैंड अनेक छोटी छोटी डक्ट्स के द्वारा, इन डक्ट्स को हम क्या कहते हैं, ध्यान रखना, इन डक्ट्स को हम कहते हैं डक्ट्स ऑफ रिविनस, या इनको वर्थोलिन डक्ट भी कह देते हैं, याद रखना, क्या बोल देते हैं इनको, वर्थोलिन डक्ट भी कह देते हैं, समझ गए। और ये कहाँ जाके खुलती हैं, निचले वाले जबड़े की फर्श पर जाकर खुलती हैं, ध्यान रखना। ठीक है ना, ये हो गया। अब सुनो, ये तो बात हो गई हमारी तीनों डक्ट्स की, ठीक है ना, तीनों हो गई, फर्स्ट पैरोटिड ग्लैंड, सेकंड सब मैग्जिलरी ग्लैंड और थर्ड है सब लिंगुअल ग्लैंड। अब हम बात करते हैं इसकी सीक्रेशन, तो तुम्हें पता है साहब इसकी सीक्रेशन या स्राव को हम क्या बोल देते हैं, सलाइवा, या क्या कह देते हैं, लार कहते हैं। ठीक है, इन ग्रंथियों द्वारा क्या स्रावित होती है, लार। अब देखो लार की बात करें या लार की कंपोजिशन की यदि हम बात करते हैं तो लार की कंपोजिशन क्या होती है, कि इसमें जल की मात्रा होती है साहब 99.5% तक हो सकती है। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखना। दूसरी बात, अदर अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें क्या होती है साहब, म्यूकस श्लेष्मा पाई जाती है। दूसरा, इसमें साहब क्या होता है, स्टार्च पाचक एंजाइम, कौन सा, अल्फा एमाइलेज, या इसको हम क्या बोल देते हैं सर, टाइलिन, अभी मैंने बताया था जो कि किसके द्वारा स्रावित हो रहा है, पैरोटिड ग्लैंड, तो अल्फा एमाइलेज या सॉरी टाइलिन पाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा इसमें क्या पाए जाते हैं साहब, लाइसोजाइम, ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या पाए जाते हैं, थायोसाइनेट, ठीक, थायनोसाइट के साथ साथ ही इसमें क्या है, इस तरह से कुछ अदर जैसे
बहुत कम मात्रा में हम बात करें तो यूरिया पाया जाता है, यूरिक एसिड भी पाया जा सकता है। उसके अलावा इसमें क्या होता है साहब, इम्यूनोग्लोबुलिन ए भी पाई जा सकती है, ठीक है ना। इस तरह से ये क्या हो गया साहब, कंपोनेंट्स हो गई। ध्यान रखना ये कंपोनेंट्स है किसकी, लार की। अब देखो काम की बात करें हम तो इसमें जो एंजाइम पाया जाता है, जब हम खाना खाते हैं खाना वक्कल कैविटी में जाता है और वक्कल कैविटी में स्टार्च का आंशिक पाचन होता है। आंशिक का मतलब क्यों, क्योंकि मुख में भोजन कुछ ही समय रहता है इसलिए कंप्लीटली पाचन हो नहीं पाता और हम भोजन को निगल लेते हैं और भोजन कहाँ पहुँच जाता है, स्टोमक में पहुँच जाता है, ठीक है। आगे की बात करें, लाइसोजाइम और थायोसाइनेट इनका काम क्या होता है साहब, इनका काम होता है कि ये एंटी बैक्टीरियल होते हैं, यानी हमारे मुख में बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकना, भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट करना। तुम्हें पता है कुत्ते की जो लार होती है उसमें लाइसोजाइम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और यही कारण होता है कि वो अपने घाव को चाट चाट के क्या कर लेता है, सही कर लेता है, ठीक है ना। उसके अलावा तुम्हें पता है कि ये हो गया क्या, लार। और लार का काम हमें हमने बता ही दिया कि जब मुख में भोजन जाता है तो जीव के द्वारा भोजन में लार मिलाई जाती है और लार भोजन को लसलसा एवं चिकना बनाती है जिससे उसको आसानी से निगला जा सके, प्लस उसमें स्टार्च का आंशिक पाचन भी किया जाता है और भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट भी किया जाता है, ठीक है ना। अब हम अगली ग्रंथि के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।